नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। रीवा शहर के विश्वकर्मा घाट एवं बाबा घाट में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। रीवा शहर के विश्वकर्मा घाट एवं बाबा घाट में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। लोग यहां पर गाजेबाजे के साथ पूजा अर्चना के बाद जल में गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया। गणपति बप्पा मोरिया अगले वर्ष तो जल दिया। इस बार पंचक लग जाने के कारण लोग कुछ मूर्तियों को बीते दिन भी विसर्जित किया था और पंचक लग जाने की वजह से एक दिन पूर्व में भी विसर्जित किए हैं। घाट में एसडीआरएफ की टीम के साथ साथ नगर निगम के कर्मचारी एवं अधिकारी यहां पर मौजूद रहे। अभी आप लोग गणपति बप्पा मोरिया और अगले वर्ष तू जल्दी आ के कह रहे थे, क्या भगवान से आपने प्रार्थना की और क्या? सबसे पहले नमस्कार गणपति बप्पा मोरिया। हमें गणेश चतुर्थी हम हर वर्ष अपने घर में मनाते हैं और अभी कोरोना चल रहा है तो इसको बहुत ही सीमित ढंग से हम इसको मना रहे हैं। और आपने पूछा कि आपने भगवान से क्या मांगा, इस समय हम क्या मांगेंगे? बस यही कि पूरे संसार से कोरोना चले जाए और पूरे विश्व में शांति रहे और हमारे हाँ सब कोई सेफ रहे, सुरक्षित रहे, अच्छा रहे और हमारा पूरा जो परिवार है वो अच्छे से रहे। विसर्जन आपने जल्दी कर दिया, क्या कारण था? हाँ, जैसा कि कल वैसे विसर्जन का दिन तो अनंत चतुर्दशी का ही होता है लेकिन पंचक लग रहा है इसलिए हमने आज ही, जो हमारे पंडित जी थे उन्होंने हमको बोला कि आज का दिन ज्यादा शुभ होता है इसलिए आज ही आप गणेश विसर्जन करिए और इसलिए आज ही हम अपना गणेश विसर्जन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ज्योत्सना गुप्ता। क्या करती हैं? मैं तो अभी फिलहाल हाउस वाइफ हूँ। और स्थान? स्थान मैं रतहरा में रहती हूँ, मेरा घर रतहरा में है। आज गणेश चतुर्थी है। हाँ। कल गणेश चतुर्थी है। हाँ। आज आप लोगों के द्वारा क्या व्यवस्था यहाँ की जा रही है विश्वकर्मा घाट पर? ये विश्वकर्मा घाट, पुष्पराज घाट, निपनिया घाट और बिछिया घाट, इसमें सभी तैराक जवानों को होमगार्ड और एसडीआरएफ के जवान तैनात हैं। एक एक प्रभारी मैं उपकरणों के साथ, मैं स्वयं डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट अजय सिंह विश्वकर्मा घाट में हूं और चारों घाटों का निरीक्षण कर चुका हूं। आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए हैं कि किसी भी प्रकार की भीड़ भाड़ में कोई दुर्घटना न घटने पाए और आवश्यक निर्देश देते रहता हूँ समय समय पर। सब घाटों का भ्रमण भी करता हूँ। इस तरह से हमारे द्वारा चारों घाटों में पुख्ता इंतजाम किया गया है और इसके अलावा जो हमारी जिले में डीआरसी हैं, डीआरसीओं को भी तहसील स्तर पे एसडीएम साहब वानों के निर्देशन में ड्यूटी पे लगाया गया। शहर में कितने का खाना विसर्जन होना? अब मैं अभी देखिए कि नया आया हूँ, मुझे चार पॉइंट बताया गया है यहाँ पे। मैं अभी अभी ज्वाइन किया हूँ यहाँ पे मुरैना जिले से आकर के, भिंड मुरैना से, तो मुझे चार स्थान बताया, चारों स्थानों पे बल तैनात कर दिया गया। कितने बल तैनात हैं? इसमें करीब 12-13 लड़के हैं एक टीम में और इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पे कंट्रोल रूम से भी बल बुलवा लिया जाएगा। उपकरण में क्या व्यवस्था की गई है? उपकरण में जैसे अभी यहाँ क्या है, मैंने देख रहा हूँ कि जैसे बोरियों का बंधान कराया गया, कुंड बनाया गया है, तो इसमें कोई ऐसा खतरा नहीं है। हम उपकरणों में लाइफ बॉय, लाइफ जैकेट, रस्सा, कांटा, टार्च, आस्का लाइट और बोट भी रखेंगे यहाँ। कल जैसे ज़्यादा भीड़ रहेगी तो हर घाटों में बोट की व्यवस्था की गई है विथ इंजन, विथ रेस्क्यू चालक, बोट चालक के साथ। विसर्जन में आए हुए लोगों को क्या निर्देश? विसर्जन में आए हुए लोगों को यही है कि बच्चों को दूर रखिए घाटों से, पानी के पास न ले जाइए और गहरे पानी में विसर्जन मत करिए। जहाँ पे शासन द्वारा निर्देशित किया गया है, पॉइंट चिन्हित किए गए हैं, उन पॉइंटों में आप विसर्जन करिए। आप भी सुरक्षित रहिए और प्रशासन को भी सुरक्षित रखिए। गणेश विसर्जन चल रहा है, यहाँ पर होमगार्ड की सेना तैनात है, क्या तैयारियाँ हैं? रीवा जिले में शहर के अंतर्गत चार घाट चिन्हित किए गए हैं, उन चार घाटों में होमगार्ड के एसडीआरएफ, होमगार्ड में आपदा उपकरणों के सहित तैनात किए गए हैं। विश्वकर्मा घाट, पुष्पराज घाट, निपनिया घाट और ये आपका बिछिया घाट, इन चारों घाटों में हमारे तैराक रेस्क्यू पार्टी में उपकरणों के सहित, संसाधनों के सहित अलर्ट मूड में तैयार रहते हैं। घाटों में किसी भी प्रकार की रेस्क्यू अगर दुर्घटना होती तो उसको तत्काल हम लोग बचाव कार्य करते हैं। विसर्जन के दौरान आप पे देखा जा रहा है लोग पानी में उतर जाते हैं, तो उसके लिए क्या आप? नहीं, उसके लिए क्या है कि यहाँ जैसे बोरियों का बंधान किया गया है उस इलाके में तो प्रतिबंधित है,
तो ज़्यादा से ज़्यादा एक सीढ़ी तक उतरने देते हैं जिससे कि गणेश भगवान को पानी में डाल सकें। गहराई पे जाने से मना करते हैं और गहराई में नहीं जाने देते किसी भी व्यक्ति को कि जिससे कि कोई। कितने जवान तैनात हैं नदी घाट? हमारे यहाँ करीब चारों घाटों में 12-12 जवान शिफ्ट वाइज तैनात हैं जो कि अभी रहेंगे रात में भी और दिन में भी। कल भी व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। आपका नाम और पद? मेरा नाम अजय सिंह है, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट हूँ। मैं अभी वर्तमान में नया हूँ रीवा जिले के लिए। 6/9/21 को ही ज्वाइन किया हूँ मैं। चलिए, आपको रीवा दर्शन की ओर से बधाई। आप ऐसे ही सेवा करते रहें लोगों। धन्यवाद। गणेश जी विसर्जन करने आई हैं तो एक आप जिस वेशभूषा में हैं, इस वेशभूषा का धारण करने का कारण क्या है? ये महाराष्ट्रियन है और गणपति बप्पा वहाँ ज़्यादा मनाए जाते हैं, मतलब रखे जाते हैं सब अपने घर पे, इसलिए मैंने सोचा ये ज़्यादा बेस्ट है। बेस्ट रहेंगे। कहाँ से आई हैं आप, क्या नाम है? प्रिया द्विवेदी। कितने दिन तक पूजा किया आपने भगवान की? 8 मना है। तो ये ड्रेस आपने पहली बार पहना है वहाँ? पहली बार ही आज ही पहने। कौन कौन आया है आप लोगों के साथ? मेरे पापा आए, मेरी दादी, मेरी फ्रेंड, भैया, सब लोग आपके ड्रेस की तारीफ कर रहे हैं। सभी करेंगे। चलिए, थैंक यू। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।